हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्नोलॉजी बाजार में हार्दिक स्वागत करता है। आपको मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि 200 मीटर से ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस पे कैमरा जो रखना हो तो फिर कैसे उसको क्लिपिंग करते हैं, BNCDC कैसे लगाते हैं जिससे व्यूज, जिससे कोई उस पर लाइनिंग ना आए, ऐसा क्या करने से लाइनिंग ना आए, वो आपको मैं आज दिखाता हूँ वीडियो में। ये कैमरा की ओर है कि कैसे क्लिपिंग वगैरह करने का है वो आपको मैं दिखाता हूँ, BNC कैसे वाला लगाना है। और ये आपको दिखाता हूँ एक जो ब्लैक कलर है आपको वो ये वीडियो के वायर की ओर से आपको यहाँ से ऐसा करना है, ऐसा लगाना है। और ये DC को भी ब्लैक यानी कि माइनस को ऐसे जॉइंट करना है। ये कैप लगा रहे हैं, देखिए आपने कैसे करा, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप ऐसे लगाइए जिसकी तरह से उसको कोई दिक्कत ना हो, कभी भी बारिश बारिश कुछ भी हुआ तो उस पर असर ना हो। रेड रेड को मिक्स करना है DC साथ, और ये ग्रीन है एक्स्ट्रा वायर उसको भी रेड रेड के साथ मिक्स कर देना है ताकि उसमें DC का वायर ज़्यादा पावरफुल हो जाए। आपको एक्स्ट्रा वायर कभी छोड़ना नहीं है। ये DVR की ओर है, DVR में कैसे आपको लगाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। DVR में खाली एक ही वायर रहेगा, जो वीडियो का वायर रहेगा वही उसके साथ लगेगा एंड अर्थिंग का वायर लगेगा। देखिए देखिए आपको सिंपल है यहाँ पे। सेलोटेप मारनी जरूरी है ताकि कभी भी दिक्कत ना आए।
सेलेक्टर हमेशा ये जैसे कोई भी कैमरा रहा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मानना रहता है जरूरी। अभी इसको SMPS के साथ जोड़ेंगे। ओनली फॉर 5 एम्पियर का SMPS है ये, SMPS के साथ में ये लगाऊंगा। ग्रीन वायर इसके साथ लग जाएगा, जाके वहाँ पे भी मैंने कैमरा के साथ मैंने ग्रीन वायर लगाया था इसीलिए। या कोई भी चैनल पे लगा दीजिए। देखिए आ गया है क्लियरली, एंड इसमें कोई व्यू नहीं है वगैरह नहीं है, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह कुछ है ही नहीं, एकदम क्लियरली आ रहा है वापस से, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये 180 मीटर का है वायर्स, इससे भी ज़्यादा 300 मीटर होगा तो भी यही पोजीशन पे होगा, कोई वगैरह वो नहीं होगा, क्लियरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर मैंने बताया वैसे आपको लगाना है। थैंक यू।